एवरीवन, तो आज हम आ गए हैं अपने फाइनल सम अप पे। हमने टोटल 6 वीडियोस देख लिए हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। मैं आई बटन पे भी दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये फाइनल वीडियो है हमारे 7 डेज सीरीज में, 7 डेज चैलेंज, कि आप अच्छी गाड़ी कैसे चला सकते हो। तो चलिए इस 7th वीडियो में हम देखेंगे सिटिंग पोजिशन, हमारी पेडल व्यू, क्या कैसे आपको फुट पोजिशन रखनी है, स्टीयरिंग एंड एवरीथिंग, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं सिटिंग पोजिशन के साथ। सो आप देखिए यहाँ पे ये है हाइट का, मैंने जितना रिक्वायर्ड है मैंने हाइट कर लिया है। एंड ये मैंने पहले बताया था लीवर, सो इसको मैं लीवर को टालना है स्टीयरिंग पकड़ के कुछ इस तरीके से, एंड चेक करना है कि आपकी पैर पूरी जा रही है कि नहीं, फुल क्लच हो रही है। मैं आपको इसको बेयर फुट में भी दिखा रही हूँ। तो जब तक ये फुल क्लच पे आपके पैर नहीं जाती लेफ्ट लेग, तब तक आपको ये सीट एडजस्ट करनी है। वंस सीट एडजस्टेड, हाइट एडजस्टेड, पैडल चेक हो गया है, देन डोंट फॉरगेट योर सीट बेल्ट। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट है वो है एक्सेलरेटर, इसे गैस पेडल भी बोलते हैं, एंड इसको वी पोजिशन पे यूज करते हैं एक्सेलरेटर एंड मिडल वाला ब्रेक को, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हम एक्सेलरेटर और ब्रेक को बहुत प्रेस नहीं करते, जस्ट टैप टैप यूज करते, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्लच जो हमेशा फुल प्रेस होता है। एंड क्लच का दो रीजन होता है, जब आप फुल प्रेस करते हो तभी आप ब्रेक देना, अगर आप हाफ दोगे तो क्लच प्लेट जल जाती है। नेक्स्ट है फुल क्लच हम देते हैं जब हमको गियर चेंज करनी। थर्ड ध्यान देना है आपको अपनी स्टीयरिंग, तो मैंने पहले ही बताया है कि स्टीयरिंग अगर आपकी मिडल बीच में नहीं है तो कैसे चेक करना है, पूरा राइट या फिर पूरा लेफ्ट, एंड देन फिर आपको देखना है कि आपकी स्टीयरिंग, दो टर्न करने से आपको समझ में आता है कि आपकी स्टीयरिंग स्ट्रेट है। ध्यान रखना है कि ये वाले पोजीशन आपको फॉलो करनी है, 9339 ये पोजीशन फॉलो करनी है। ये वाली काफी प्रेशर लगती है, ये वाली भी रॉन्ग है, ये मैंने आपको पहले बताया है। ये वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आई बटन पे जरूर दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको स्टीयरिंग की अल्टीमेट गाइड मिल जाएगी। फिर हमको देखना है जब हम अपने डोर्स क्लोज कर लेते हैं, आपको ध्यान देनी है आपकी एसी, अगर आप एसी ऑन है, क्योंकि एसी आपको हेल्प करती है फॉग करने में काफी बारिश या काफी ठंड के टाइम पे। ऑल्सो चेक करें ये बटन्स, ध्यान रखना है ये सारे बटन्स जरूर चेक कर ले कि आपकी विंडो अप है, एसी ऑन होने से इसको चेक कर ले ऑफ है, एंड मिरर प्रॉपर एडजस्ट होनी चाहिए। रीसर्कुलेशन बटन, ये अभी आपकी ऑन है, ये ऑफ होने से क्या होता है, ऑफ होने से अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो बाहर की एयर अंदर खींचती है, ऑन रखते हैं, ये ऑफ हम ज्यादातर करते हैं जब डिफॉग करना होता है। सो नेक्स्ट स्टेप जो है हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या करना होता है, पहले हम करेंगे, हमारी गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है, इग्निशन की ऑन है, फुल क्लच करेंगे, एंड फुल क्लच करने के बाद करना है फर्स्ट गियर पे, न्यूट्रल थी हमारी, हैंड ब्रेक को डाउन जरूर करें, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लेफ्ट टर्न करेंगे। पहले हम क्या करेंगे स्टार्ट करने के लिए, बाइटिंग पॉइंट पे लाएंगे ब्रेक छोड़ के, बाइटिंग पॉइंट में आने के बाद देखिए आप मूवमेंट हो रही है मेरी। अब टर्निंग के टाइम पे हम क्या हल्का ब्रेक पे पांव रखेंगे, एज व्हेन रिक्वायर्ड हम करेंगे ब्रेक देंगे, एंड हल्का हल्का आपको क्लच छोड़ना है, टर्निंग के टाइम पे आपको एक्सेलेरेटर यूज नहीं करनी है। ध्यान रखना है हमेशा आपको अपनी लेन लेफ्ट पे ही रखनी है, राइट आपकी खाली हो तो भी आपको राइट यूज नहीं करनी है। पार्किंग भी हम हमेशा लेफ्ट पे ही करते हैं, क्योंकि हमारी में जो गाड़ियां हैं उनकी ड्राइवर सीट राइट में होती है, तो हम पार्किंग लेफ्ट में ही करते हैं। जिन कंट्रियों में ड्राइवर सीट लेफ्ट में होती है वो पार्किंग उनका रूल्स होते हैं राइट पे पार्क करना। आप देखिए हम यहाँ पे राइट पे पार्क कर रहे हैं, मेरी क्लच पे ही पाँव है एंड ब्रेक पे पाँव है, बट मैं ब्रेक टैप नहीं कर रही। राइट पे टर्न करने के लिए आपको थोड़ा आगे आके फिर टर्न करना होता है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताई है कोई आ रहे हैं कोई लोग तो उनको जगह मिल सके। अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लेफ्ट में पार्क किया है, आप देख सकते हैं सिचुएशन हमारी। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्योंकि आगे जगह नहीं है, आगे घर है, रेसिडेंशियल एरिया है, तो हम यहाँ पे अगेन रिवर्स पार्क करने के लिए हमारे Hyundai i20 में गियर पे हम लिफ्ट करते हैं लीवर को एंड फर्स्ट गियर की तरह आगे डालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन येल्लो लाइन, तो रेड लाइन का मतलब क्या है, येल्लो लाइन का मतलब क्या है, येल्लो लाइन मतलब आप क्लोजर जा रहे हो, एंड रेड लाइन मतलब आप काफी ज्यादा क्लोज हो, तो ये ध्यान देते हुए हम रिवर्स लेंगे। ब्लू लाइन मतलब आप किस तरफ आपकी मूवमेंट हो रही है गाड़ी की, ब्रेक डाउन एंड हम रिवर्स लेंगे। रिवर्स में आपको एक्सेलेरेटर यूज नहीं करनी है। रिवर्स में क्या होता है, अगर आप पीछे जा रहे हो और अप है तो ही आप हल्का एक्सेलेरेटर यूज करते, वो सिचुएशन बहुत कम आती है। एज अ बिगनर आपको सिर्फ क्लच एंड ब्रेक में, देखिए मैं गाड़ी आ रही है, मैं राइट यहाँ पे लेफ्ट कर राइट टर्न लेंगे, फुल राइट टर्न। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा स्टीयरिंग काट लिया है, स्लो स्लो में है। अब आपको ये छोड़ देना, ये स्टीयरिंग आपकी आज की जो स्टीयरिंग से कार की
वो पावर्ड होती है तो अपने ही वो पोजीशन ले लेती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्किंग यहाँ पे। तो देखिए मैं लेफ्ट में जा रही हूँ, अब अगर हमको पार्क करना है, मैंने जैसे कहा हमारी जो ड्राइवर सीट है वो राइट में है, पार्क कर रहे हैं लेफ्ट में, हम यहाँ पे पार्क कर रहे हैं। गाड़ी में रहते सहते जो मिनिमलिस्टिक चीजें हैं जान लेते हैं, फिर हम बाहर में जाके अपने बॉनेट एंड बूट को देखेंगे। फर्स्ट तो हमने पहले भी मेरे वीडियोस में देखे, अगर आपने नहीं देखे तो उसके लिंक दे दूंगी मैं आई बटन में। हमारे राइट हैंड में एंड लेफ्ट हैंड में कुछ फीचर्स होते हैं। राइट हैंड में जो हमारी हेडलाइट फॉग लाइट सारे मैंने बताई है, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। जो हमें और एक चीज जानना है ये वाइपर, वाइपर की इंटेंसिटी यहाँ पे मैंने दिखाई है, इसके भी मैंने वीडियो डाले हैं, जरूर देखिएगा। एंड इसको कैसे हम करते हैं, सपोज आपकी गाड़ी काफी दिन से पड़ी है और धूला भर चुका है तो क्या करना है आपको, जस्ट अपने स्टीयरिंग की तरफ इसे पुल करना है। देखिए किस तरीके से पानी आ रहा है, मैं दोबारा एक बार आपको दिखाती हूँ। तो देखिए किस तरीके से वाटर आपकी स्प्लैश हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम बॉनेट एंड बूट खोलते हैं। बॉनेट खोलने के लिए स्टीयरिंग के नीचे ये बटन होती है, इसे हम अपने तरफ पुल करेंगे तो हमारी बॉनेट खुल जाती है। मैं बाहर से इसको दिखाऊंगी। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे है लॉक अनलॉक, अनलॉक इसको प्रेस करने से हमारी पीछे की बूट एंड सारे जो डोर से वो भी ओपन एक्सेस मिल जाते, देखिए, और ये क्लोज। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये कूलेंट, कूलेंट आप कैसे चेक करोगे, ये लेवल्स प्लस कूलेंट के कलर्स होते हैं, तो जो आपको आपकी कंपनी रिकमेंड करती है उसी कलर पे जाएं। ये है आपकी वाइपर की वाटर, इसको जरूर फिल करें, नॉर्मल वाटर से नहीं, डिस्टिल्ड वाटर से इस यहाँ पे आपको फिल करनी है। इंजन, आप कार की ऑयल कैसे चेक कर सकते हो, इसे खींच के आपको चेक करना है, इसकी जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड आई बटन पे भी लिंक होगा। इसे आप जब खोलते हो तो इससे आप फिल्टर चेक कर सकते हो, एयर फिल्टर आप इसमें चेक कर सकते हो, तो ये कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। सेम हमने बूट भी वैसे ही खोलते हैं। बूट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है स्टेपनी। इसको खोलने का तरीका है यहाँ पे इस तरीके से। सो ये टूल्स आपको कुछ मिल जाती है, ये स्टेपनी टायर है। टूल्स आपको कैसे यूज करनी है इसके वीडियो में आपको दे चुकी हूँ, जैक कैसे यूज करनी है, इसके अदर पार्ट्स कैसे यूज करने हैं आपकी कार को लिफ्ट करने के लिए एंड पंक्चर ठीक करने के लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में भी दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हम फाइनली देखते हैं एसी फिल्टर, जो हमारे गाड़ी के अंदर आप आराम से चेंज कर सकते हैं। हुंडई या मारुति की कार में इसे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से प्रेस करके खोलना होता है एंड अंदर से आपको वो फिल्टर निकालना होता है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे भी दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि कैसे आप इस एसी फिल्टर को अपने आप चेंज कर सकते हैं। एंड ध्यान रखें, जब भी एसी फिल्टर या कुछ भी हम चेंज करते हैं, जब आपकी एसी की हवा कम हो जाती है या काफी गर्म होता है, कूल प्रॉपर नहीं होती, तभी आपको एसी फिल्टर चेंज करनी होती है। एंड कार की सर्विसिंग आपकी 10,000 किलोमीटर रन करने के बाद ही होती है। नाइट आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी इवनिंग हो चुकी है, बट उजाला है, ब्लिंक होती है कि रात हो गया है ऑन करने के लिए। हेडलाइट ऑन करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में डाला है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकते हो, ये हमारी हेडलाइट ऑन किया मैंने, हमारी फॉग लाइट है, ये हेडलाइट है। तो अगर मैं डैशबोर्ड की तरफ फॉरवर्ड करती हूँ तो देखिए हाई बीम हो गई है। हाई बीम स्टॉप करने के लिए हम अपने तरफ स्टीयरिंग की तरफ उसको पुश करते हैं एंड अगर आपको जस्ट पास देना है, पास लेना है, तो आप ऐसे करते हो। इस तरीके से हम गाड़ी के ये कुछ फीचर्स यूज करते हैं। नाइट टाइम में ध्यान रखना है आपको, हेडलाइट ऑन करना है, लो बीम में चलाना है, लेकिन अगर आप हाईवे पे हो तो जरूर हाई बीम ऑन कर ले, लाइट जरूर यूज करें। देखिए इस तरीके से आपको ऑन करना है। इसके और भी फीचर्स मैंने बताए हैं, क्योंकि लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। सर्विसिंग प्रॉपर करें, कार में ऑयल, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर जरूर चेक करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कोई भी डाउट हो जरूर मुझे कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।